मैं श्यामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम। आपको बता दें कि आज जो है कलवा मुमरा के विधायक जितेंद्र आव्हाड ने यहाँ पर एक मीटिंग रखी थी मुमरा रेलवे स्टेशन पर। दरअसल रेलवे के जो लोकल ट्रेनें हैं उसकी समस्या जिस तरह से सामने आ रही है, मुमरा प्रवासी संघ के लोग जो है यहाँ पर मीटिंग में शामिल थे और प्रवासी संघ मुमरा प्रवासी संघ के जो अध्यक्ष है रफीक शेख और तमाम लोग नाजिम भाई एडवोकेट अब्दुल्ला पठान सभी लोग यहाँ पर है। इनसे बात करते हैं कि दरअसल मुमरा कलवा से कितनी ट्रेनें जो है रद्द की गई है और कितनी ट्रेनें यहाँ से जो है सुबह के वक्त फास्ट और सेमी फास्ट चलती है, इन सब की पूरी डिटेल हम इनसे लेते हैं। क्या कहेंगे आप, जो मुमरा से और कलवा से जो यात्री है ये किस तरह से परेशान है और कितनी ट्रेनें असलियत में यहाँ से कितनी ट्रेनें रद्द की गई है? देखिए, ट्रेनों का जो है टोटल अभी हमारे पास जो आंकड़े आते हैं वो 21 है। 21 जो है पूरे डे के अंदर जो है जो कैंसिल हो चुकी है। अब इसमें 21 को रद्द करके आपने एसी लोकल चालू की, एसी लोकल जो चालू की आपने, और ये विदाउट इंफॉर्मेशन है, विदाउट इंटीमेशन है। आपने नॉर्मल टिकट्स निकाली, आप जाते हो एक वक्त पर, आपने 3 महीने का पास निकाला। अब आप सोचो अचानक से एसी ट्रेन आ जाए और उसके बाद में आपको ट्रेन दूसरी आती है जो भरी हुई आती है पीक आवर्स के टाइम पे, तो आप कैसे चढ़ोगे? तो ये मुद्दा तो है कि एसी का जो विदाउट इंटीमेशन आपने चालू किया वो एक मुद्दा है अपने आप में। दूसरा मुद्दा सबसे इम्पोर्टेंट ये था कि मुमरा की जो आबादी है, अब देखो तो दिन पे दिन आप देखोगे एक 1.8 किलोमीटर का स्ट्रेच था पहले, आज ये 5 किलोमीटर हो गया और स्ट्रेट के बजाय आप देखोगे हॉरिजॉन्टल भी बड़ा होते जा रहा है। तो अब हम लोगों को ये देखना है कि इसमें कम्यूटर्स के जो इशू है, मुमरा प्रवासी संघ जो बना है वो इसलिए बना है कि कम्यूटर्स के इशू को हम लोग हाईलाइट करें और सही जगह पे जाके उसको, तो आज ये जो हुआ है मीटिंग ये उसी के लिए हुई कि रेलवे के जो प्रवासी जितने भी है उनके जो हक की बात है वो कह सके, मीडिया तक के पहुंचा सके। तो आप तक के हम लोग ये पहुंचा रहे हैं और दिक्कतें जो आप लोगों को पता है कि एलिवेटर एस्केलेटर का जो सबसे बड़ा मुद्दा था, तो जिसके लिए अभी भी हम लोगों को, अभी लिखित में बोल नहीं सकते, हम लोगों को ट्विटर के थ्रू भी एक रिप्लाई आया है ऑन माइक। डॉक्टर जितेंद्र आव्हाड ने भी कहा है कि लगभग 2 महीने में नवंबर दिसंबर के बीच में जो है बन जाएगा, तो ये चीज़ें हम लोगों को खुलासा हो गई है और वो बन भी जाएगा अभी, क्योंकि इतना ऑलरेडी डिले हो गया है 5 साल का। नेक्स्ट अभी जो इम्पोर्टेंट जो लोगों के लिए यहाँ पे है वो है ये जो पुराना प्लेटफॉर्म है हमारा जो अनयूज्ड है, जिसपे से आप देख रहे हो मेल जा रही है, तो यहाँ पे फास्ट ट्रेन को रुकाना बहुत ज़रूरी है। आप दीवा में कुछ अगर समझो 4 ट्रेन रुकाते हो तो फास्ट ट्रेन 4 यहाँ पे भी रुका दो, बड़ी मेहरबानी हो जाएगी हमारे लिए। अच्छा, पहले कितनी ट्रेनें फास्ट सेमी फास्ट यहाँ से जाती थी जो कलवा और मुमरा में रुकती? मुमरा और कलवा के अंदर जो है ना सेमी फास्ट का अभी एग्जैक्ट डेटा जो है पुराना, जैसे स्टाफ है अभी हम लोग मांगते हैं तो हम लोग को दिया नहीं जा रहा है, हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि हम लोग को मिल जाए। तभी 10 से ज्यादा सेमी, पर हम लोग ने देखा है कुछ ऐसी 18 के करीब थी, 18 से 20 के करीब थी जो कट डाउन होके 9 से 10 हो गई है, जो दीवा से राउट हो जाती है, और वो गलत है क्योंकि हमारे को अगर स्टेशन दिया हुआ है तो कलवा मुमरा में भी हॉल्ट होना चाहिए सेमी फास्ट का, तो वो राउट करने का कोई मतलब नहीं था। तो हमको हमारी पुरानी सेमी फास्ट भी वापस दो, उसके अलावा जो कुछ फास्ट लोकल दीवा में स्पेशल हॉल्ट दिया जा रहा है उसको भी कलवा या मुमरा में अल्टरनेट हॉल्ट दिया जा सकता है, समझ रहे हो आप? ये कैसा है कि अगर दीवा में रुक रही है तो आप एक ट्रेन को हॉल्ट कलवा में दे दो, एक ट्रेन का हॉल्ट मुमरा में दे दो, तो उससे क्या है लोड शेयरिंग होना शुरू हो जाएगा। हमारी डिमांड वही है कि कलवा मुमरा में जो कंजेशन है, जिस तरह से ट्रैफिक अचानक के वक्त बहुत ज्यादा भीड़ रहती है, अगर कलवा में रुकते हैं और क्या तो यात्रियों को जाने में। हाँ बिल्कुल, अगर आपकी सेमी फास्ट के अलावा अगर फास्ट लोकल भी अगर अल्टरनेट हॉल्ट बढ़ जाता है, जैसे पूरे 7 से 8 के बीच में और 8 से 9 के बीच में टोटल मिला के 24 ट्रेन है, जिसमें एक लेडीज है, एक सेमी लेडीज है, फिर बीच में कई थाना लोकल है, थाना लोकल वाला भी क्राउड रुक जाता है, लेडीज का लोकल का क्राउड रुक जाता है, बीच में फिर एक एसी लोकल डाला गया है 9:11 की, उसका क्राउड रुक जाता है। मतलब आप 7 से लेकर 10 के बीच में मुमरा से ट्रैवल करना तो भूल ही जाओ, एक नंबर, मतलब ऐसा हाल है कि भाई कि आप है ना भूल जाओ कि आपको अगर कुछ अर्जेंट काम है तो इधर ओला करके जाओ, रिक्शा करके जाओ या बस करके जाओ। इसके अलावा देखो कैसा हाल है कि अगर अभी लोगों ने इस चीज़ को नहीं समझे ना तो आने वाले 1 साल 1.5 साल 2 साल के बाद तो और हालत खराब हो जाएगी। बिकॉज रेलवे का पूरा फोकस क्या है मालूम है, ये 2 लाइन को किस लिए वापर रहे हैं? फ्राइट के लिए। फ्राइट मतलब ऐसा है कि जितनी भी पुरानी जितनी भी लॉन्ग डिस्टेंस गुड्स की ट्रेन चल रही है ना, आप देखोगे सर्वे आया है उनका सेंट्रल रेलवे की वेबसाइट पे, गुड्स का बिजनेस पिछले 6 से 8 महीने में है ना मतलब तकरीबन इतना करोड़ रुपए ज्यादा शो कर रहे हैं वो लोग। अगर उसी जगह पे कम्यूटर्स के बारे में सोचे ना, जो बीच के है दीवा कलवा मुमरा और ये जो लाइन जो बॉटल नेक बन रहा है, तो उनको आराम पहुंचाना था, नहीं उसकी जगह उन लोगों ने क्या किया, बोले यहाँ से गुड्स ट्रेन दौड़ाएंगे हम,
यहाँ से हम नॉर्थ की ट्रेनें दौड़ाएंगे और वहाँ से साउथ की ट्रेनें दौड़ेंगे, मतलब आपका कोई एक रुपए का फायदा नहीं हुआ यहाँ पर कलवा मुमरा में। मुमरा के लोगों को बड़ी खुशी थी कि दो प्लेटफॉर्म बढ़ जा रहा है, बढ़ जाएगा, जाने में सब सुविधाएं हो जाएगी, लेकिन बिल्कुल सब उल्टा हो गया। आप भी देखो इस्लामुद्दीन भाई, आप भी ट्रेन से ट्रैवल करते हैं, वो हालात है हाजरा तो आप भी जानते हो कि कैसा चल रहा है, कि सुबह आना है, शर्ट को इस्त्री भी करे हो तो भूल जाना है कि वो इस्त्री रहेगा, अगर चढ़ने मिल गया तो दरवाजे पे से चार उंगली पे चढ़ रहे हो आप, मुश्किल से कलवा में पहुंचे तो कलवा वाला अंदर धक्का मारेगा तब जाके आप अंदर ट्रेन के अंदर सेट होएंगे, नहीं तो आप भूल ही जाओगे, थाना तक भी पहुंच पाओगे। तो ये हालात बदलना है अपने को। मैं सारे मुमरा और कलवा के कंप्यूटर से रिक्वेस्ट करूंगा कि भाई इस चीज को समझे कि ये जो सेमी फास्ट और फास्ट लोकल जो बंद हो गई है उसको वापस चालू करने के लिए डिमांड करे। अगर संगठन के थ्रू नहीं कर सकते, आपके प्रतिनिधि के थ्रू नहीं कर सकते, इंडिविजुअल लेवल पे DRM को आप अपनी इस चीज को बात को रखने की कोशिश शुरू करें, क्योंकि आज के दौर में किसी भी हायर अथॉरिटी के पास पहुंचना या आपकी बात रखना ईमेल के थ्रू छोटी बात है। आप एक DRM के ईमेल एड्रेस पे अपनी कंसर्न डालें, अगर 1.5 लाख कलवा से, 1.5 लाख मुमरा से, 3 लाख के बीच में से अगर 1 लाख लोग अगर अपना रिक्वेस्ट डालेंगे ना तो उनको भी एहसास होएगा कि यार वाकई में लाख लोग अगर हमारे लिए चिंतित बैठे लेके भाई हम लोग इनके लिए कुछ नहीं कर रहे। तो मेरी सारी कलवा मुमरा की पब्लिक से डिमांड है कि आप लोग अप्रोच करो अपने अपने हायर अथॉरिटीज को, DRM को अप्रोच करो, रेलवेज को अप्रोच करो, अगर हो सके तो आपके MP को अप्रोच करो और MLA को भी अप्रोच करो, अगर वो भी बात रखने के लिए आपको ऐसा लगता है कि वो सक्षम है, बिल्कुल करिए। अब्दुल्ला भाई आप भी काफी इसमें जुड़े हुए हैं, पत्र व्यवहार भी रेलवे से किया करते हैं, क्या लग रहा है आपको, प्रवासी संघ के सेक्रेटरी भी हैं आप? मैं सभी जनता से फिर अनुरोध करूंगा कि हम ये लड़ाई लंबे समय से लड़ रहे हैं, हमने पत्र व्यवहार किया है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से, रेलवे से, कलेक्टर ऑफिस से, RTI द्वारा हमें रेलवे से कई रिप्लाई आए हैं, रेलवे ने हमारी बात को सुना भी है, कलेक्टर ऑफिस ने भी हमारी मांग पे लेटर इशू किया रेलवे को, उसके बाद यहाँ पर काम में तेजी आई एस्केलेटर और एलिवेटर के खासकर जब, और MP साहब से भी हमारा मामला चल रहा है, MP साहब भी हमें लेटर इशू करने वाले, आमदार साहब ने आज प्रोग्राम किया हमारी मांग पर मुमरा के अंदर, वो भी इस आंदोलन से जुड़ गए। ये बताइए MP साहब से आप लोग मिले थे तो आप लोगों ने इसका जिक्र नहीं किया, यहाँ से जो एक्सप्रेस दौड़ाई जाती है, लोकल ट्रेनें काम है, इसका जिक्र नहीं किया? देखिए MP साहब को भी यहाँ के बहुत सारे अपडेट्स ऑलरेडी है, ऐसा नहीं कि उनको जानकारी नहीं है, MP साहब को भी यहाँ के हालात पहले से मालूम थे, एस्केलेटर एलिवेटर नहीं लगने पर उनको भी ये बड़ा अभी तक काम पूरा नहीं हुआ, इस पर उन्होंने भी एक चिंता जताई कि अभी तक क्यों उन्होंने पूरा नहीं किया था, तो उन्होंने भी कहा कि मैं भी DRM के लिए आपको लेटर इशू कर रहा हूँ और वो फॉलोअप हमारा उनके यहाँ भी चल रहा है, तो वो भी इस बारे में उनको भी लिए भी जैसे लोकल ट्रेन का मसला चल रहा है तो अभी तक उनके तरफ से कुछ ऐसा बयान वगैरह कुछ मेरी नज़र में तो आया नहीं अभी तक जो कलवा मुमरा के यात्रियों को तकलीफ हो रही है। हाँ एज अ मुमरा प्रवासी संघ तो वापस से उनसे भी मुलाकात करने वाले हैं, हमारे MP साहब से फिर मिलने वाले हैं, ये पारसिक से ट्रेनें चला करती थी गुड्स की और एक्सप्रेस की, आपको मालूम है मुमरा में पारसी का ट्रैक है तो वहाँ ज्यादा ट्रेनें थी, वहाँ से निकाल कर ये 4th और 5th लाइन पर डाल दी गई, तो ये 4th और 5th लाइन का मुमरा को कोई फायदा नहीं पहुंच रहा है, इस पर ये गुड्स ट्रेन और एक्सप्रेस ट्रेन जो वहाँ चल रही थी ज्यादा संख्या में वहाँ कम कर दिया, यहाँ डाल दिया, तो ये इनका जो मैनेजमेंट है वो किस तरह से मैनेज कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, इनका क्या उसके अंदर है, इसमें आम जनता कहाँ पर है, इसमें मुमरा कलवा की आम जनता के लिए क्या सुविधा है, ये रेलवे ने कहीं ना कहीं हमको नजरअंदाज कर दिया है। तो जनता हमसे जुड़ रही है, रिस्पांस मिल रहा है, हम फिर कहेंगे मुमरा प्रवासी संघ से वो जुड़े और ज्यादा जुड़े और हमारी हिम्मत और हौसले को बढ़ाए तो हम उनकी मांगों को सही तरीके से ऊपर तक रख पाएंगे, रेलवे अथॉरिटी के सामने रख पाएंगे। आखिरी सवाल है आपसे कि आप लोग जिस तरह से जितेंद्र वाघ ने कहा है कि 2 अक्टूबर को अगर मांगे पूरी नहीं हो तो बहुत बड़ा आंदोलन कलवा और मुमरा में होगा, वो भी रेलवे स्टेशन प्लेटफॉर्म और रेलवे ट्रैक पर होगा, क्या आप लोग इसमें साथ हैं? मैं आपको पहले तो ये कॉन्फिडेंस से कह सकता हूँ कि ये मुंबई की आम जनता के लिए किया जा रहा है तो ये मांग तो पूरी होगी होगी, वो नौबत नहीं आएगी, क्योंकि अगर रेलवे पे ट्रैक पे अगर पब्लिक आ गई तो बहुत सा नुकसान हो जाता है उसको, आप अगर नहीं पूरा हुआ तो उतरेंगे, पूरा हुआ तो कोई बैनर नहीं होगा, कोई पार्टी नहीं होगी, वो आम जनता दिखेगी, जिस तरह से कलवा में आपको विदाउट लीडरशिप आपको दिखा, आज जो डॉक्टर जितेंद्र रावण ने जो बात किया है वो MLA की हैसियत से नहीं कर रहे, वो एक प्रवासियों की सोच से प्रवासियों के साथ जुड़ के उनके पॉइंट को रख के एक प्रवासी बन के बात कर रहे, आप उनको MLA समझो मत, मैं तो यही बोलूंगा MLA समझ के अगर वो बात करते तो वो थोड़ी बात करते 5 मिनट की, आज कितना देर बात किया उन्होंने, तो एक आधा घंटा अगर कोई दे रहा है तो उनको भी वो चीज़ का एहसास है। सिद्धेश देसाई जो है मुंबई रेल प्रवासी के, नाजिम अंसारी साहब जो ये लोग जो बहुत पहले से मेहनत कर रहे थे तो वो मेहनत को मुमरा प्रवासी संघ के तौर पर हम लोगों ने मुमरा के लोगों के अंदर जागरूकता देखी
कि ये चीज गलत हो रही है, यहाँ के लोग बोल नहीं पा रहे, तो हम जो एजुकेटेड लोग हैं हम लोग चाहते हैं कि वो चीज को सही जगह पे रखा जाए। तो कलवा में एक मीटिंग अरेंज हुई, तो हमारा एक कर्तव्य था कि उस मीटिंग में क्या हो रहा है, क्योंकि वो रेल प्रवासी की थी। हमने वहां पे जाके मीटिंग किया, वहां पे जाके हमको डॉक्टर साहब दिखे, हमने उनसे बात पुटअप करी कि मुमरा के अंदर भी ये चीज रखनी चाहिए। आज लोग आए 200 से ज्यादा लोग जो है मुमरा प्रवासी के, और साथ में उनके कार्यकर्ता जो थे वो भी आए थे। तो ये एक कॉम्बिनेशन है, और इसी तरीके से कॉम्बिनेशन से डेमोक्रेसी चलेगी, और आगे जाके अगर आंदोलन होगा तो उसमें सब जाएंगे। इसमें कोई प्रवासी या कोई एनसीपी ऐसा नहीं होगा, सब जाएंगे। यानी कि आपने सुना कि जिस तरह से जो मांगे है वो साफ तौर पर कहना है कि अगर रेलवे इनकी मांग पूरी नहीं करती है, तो जिस तरह से जितेंद्र आवाज ने कहा है कि आने वाले 2 अक्टूबर को एक बहुत बड़ा आंदोलन मुमरा और कलवा में होगा।